वहीं राज्य सरकार की राज्य पशुधन मिशन योजना के तहत जिले में अब तक 240 पशुपालकों को 5 करोड़ रुपए का लोन वितरित किया गया है। इस योजना में 90% ब्याज सब्सिडी का लाभ पशुपालकों को दिया जा रहा है। तो वहीं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी योगेश अग्रवाल ने यह बताया कि विभाग अब तक 40 लाख रुपए का ब्याज चुका चुका है। बता दें, मार्च 2025 तक 375 लाभार्थियों को लोन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के तहत यहां पर गाय, भैंस, बकरी, खच्चर सहित कई पर यहां पर लोन दिया जा रहा है। बता दें, अल्मोड़ा से नसीम अहमद की खास रिपोर्ट। देखिए, एसएलएम हमारी जो स्टेट लाइवलीहुड मिशन, जिसको हम मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन योजना के रूप में प्रदेश में लागू है, और इस योजना को हमने मार्च में इसको लागू किया था इस जनपद में। तब हमारे पास में लाभार्थियों की संख्या के आधार पर हमने पहला इंस्टॉलमेंट इसमें 11 मार्च को दिया था, और 39 लाख रुपए का हमको इसको बजट मिला था इंटरेस्ट में छूट देने के लिए। हमारी ये योजना विभिन्न मदों में, जिसमें जैसे कि आपके पास 10 गायों का अगर लोन लेते हैं 7.5 लाख रुपए का है, 5 भैंसों का लेते हैं 7.5 लाख रुपए का है, 2-10 बकरी और एक बकरे का लेते हैं 2 लाख रुपए का है, 5 बकरी एक बकरे का लेते हैं 1 लाख रुपए का है, 2 खच्चर का लेते हैं 2 लाख रुपए का है, 1 खच्चर में 1 लाख रुपए का है, इसी तरीके से 2 भैंसों में 4.25 लाख रुपए का है, 5 गायों में हमारा 4.25 लाख रुपए का है, लेयर्स में और जो हमारी ब्रॉयलर्स हैं इसमें भी 4.25 लाख रुपए और 3.5 लाख रुपए का लोन उपलब्ध होता है। ये 3 साल की योजना है, 3 साल तक हम इसमें 90% इंटरेस्ट की सब्सिडी प्रदान करेंगे, और अभी तक हमारे जनपद में 240 लोगों को लोन हम लोग दे चुके हैं। लगभग 5 करोड़ रुपए का लोन वितरित हो गया है, जिसमें कि 40 लाख रुपए का ब्याज हम लोग दे चुके हैं। भविष्य में ये योजना बहुत लाभप्रद है, और लगभग हमारा 375 का जो टारगेट है हम मार्च तक पूरा कर लेंगे।